हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है आलू और मटर से समोसे बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आलू मटर के समोसे। समोसे बनाने के लिए ये हमने उबले हुए आलू लिए हैं। ये हमने 5 उबले हुए आलू लिए हैं। इनको हाथों से हमने मैश कर लिए हैं और ये हमने थोड़ा सा पनीर लिया है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और एक बड़ा प्याज लिया है, इसको भी बारीक टुकड़ों में काट लिया है और एक छोटा अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको भी बारीक कट कर लिया है। 3 मैंने हरी मिर्च ली हैं, इसको भी बारीक कट कर लिया है और धनिया ये इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है और ये 1 कटोरी मैंने मटर लिया है और ये जीरा और साबुत धनिया और हींग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने सॉस पैन लिया है। सबसे पहले मैं इसमें ऑयल डालूंगी। ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें थोड़ी सी हींग डालूंगी चुटकी भर और साथ ही मैं ये जीरा डाल दूंगी। आधा चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया है, इसको हाथ की मदद से क्रश कर लूंगी मैं और इसे भी मैं अब मैं इसमें ये प्याज डालूंगी। मैं मटर डाल दूंगी जिससे कि मटर हमारे गल जाएंगे। जब तक ये हमारे मटर और प्याज भूनते हैं तब तक हम मसाले थोड़े से निकाल लेते हैं। ये मैंने 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और 1/2 चम्मच मैंने लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाला है, नमक मैं स्वाद अनुसार डालूंगी और 1/4 चम्मच मैं इसमें आमचूर पाउडर डालूंगी। इधर मेरे प्याज और मटर भून चुके हैं, अब मैं इसमें अदरक डाल दूंगी और साथ ही हरी मिर्च। अब मैं इसमें ये आलू डाल दूंगी मसाले समेत ही। और इसे मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। ये हमारे आलू मसाले में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब मैं इसमें ये धनिया और पनीर डाल दूंगी और इसे मैं फिर से मिक्स कर लूंगी। और ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है। गैस को मैं बंद कर दूंगी और मसाले को ठंडा होने दूंगी। जब तक ये हमारा मसाला ठंडा होएगा तब तक मैं समोसे के लिए आटा गूंद लेती हूँ। ये हमने 1/2 किलो मैदा है, इसमें से हम 250 ग्राम के आसपास मैदा यूज करेंगे और मैंने इसमें 250 ग्राम के आसपास बचा लिया है मैदे को। अब मैदे के अंदर मैं मोयन डालूंगी। अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल रही हूँ और थोड़ा सा और डाल रही हूँ इसमें, और 1/4 चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। अब मैं इसको हाथ से मिक्स कर लूंगी। ये हमारा मैदे में ऑयल अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसकी मुठियाँ भी बनने लगी हैं। अब मैं इसे पानी की मदद से गूंद लूँगी आटे को। मैं थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालूँगी इसमें। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूँगी।
और ये हमारा आटा गूंथकर तैयार हो चुका है। अब हम आटे को 1 से 2 मिनट के लिए रेस्ट पे। ये हमारा मसाला भी ठंडा हो चुका है, हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। ये मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है तब तक मैं समोसे बनाकर तैयार कर लेती हूँ। अब मैं इस आटे के पेड़े तोड़ लूंगी। सारे पेड़े प्लेट में रखती जाऊंगी। और ये हमारे सारे पेड़े बनके तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसे बेल लूंगी। इस एक रोटी के 2 पीस कर लूंगी, बीच में से कट कर लूंगी इस प्रकार से। मैंने कटोरी में पानी ले लिया है। अब मैं 1 पीस उठाऊंगी, मैं इस प्रकार से फोल्ड करूंगी और इसके ऊपर मैं यहाँ पे पानी लगाऊंगी थोड़ा सा, और दूसरे पीस को मैं इसके ऊपर रखूंगी। और अब मैं इसको खोलूंगी इस प्रकार से। अब मैं इसमें आलू भरूंगी। कर दूंगी अब मैं थोड़ा सा पानी इसके यहाँ किनारों पे भी लगा लूंगी, जिससे कि ये खुले ना समोसा। और हथेली की मदद से इसे इस प्रकार से मैं दबा दूंगी समोसे को। ये मेरा समोसा बनकर तैयार हो गया है। इसी प्रकार से मैं सारे समोसे बनाकर तैयार करूंगी। इसे भी मैं इसी प्रकार से फोल्ड कर लूंगी समोसे को। इसी प्रकार से मैं सारे समोसे बनाकर तैयार करूंगी। और ये हमारे सारे समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं। और इधर हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब मैं एक एक करके समोसे इसमें डालूंगी। ऑयल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है। मैं इन्हें स्लो गैस पे ही पकने दूंगी। मैं इन्हें आहिस्ता से हिला लूंगी समोसों को। और ये हमारे समोसे अच्छे से सिकने लगे हैं। मैं इन्हें थोड़ा सा और ब्राउन होने तक करूंगी इन्हें थोड़ा सा और। ये हमारे समोसे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन्हें प्लेट में निकाल लूंगी। मैं इससे इन समोसों को अच्छे से निकालूंगी।
हमारे सारे समोसे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसे एक प्लेट में सर्व करूंगी। ये हमारे समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं। मैंने इन्हें चटनी के साथ सर्व करा है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।